मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैथ्स में हम चैप्टर कर रहे हैं 5 और इसमें हम कर रहे हैं पेज नंबर 84 से। पेज नंबर 84 में हम 1 यहाँ तक कर चुके हैं, आज हम यहाँ से करेंगे। विच फैन विल लुक द सेम ऑन ए 1/3 टर्न, यानी कि 1/3 टर्न के बाद इन दोनों में से कौन सा फैन जो है वो सेम दिखेगा। अब 1/3 का क्या है, सेम वही आपने ये सर्कल लिया और इसको 3 इक्वल पार्ट में, 1/3 टर्न है ना, यानी कि 6 इक्वल पार्ट में आप इसको डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे और 1 टर्न लेंगे, यानी कि ये वाला पार्ट यहाँ पे, ये वाला पार्ट यहाँ पे। बेसिकली आपको ये देखना है, जब भी आप चाहे हाफ टर्न करें, 1/4 टर्न करें, 1/3, 1/6, कोई सा भी करें, अगर कोई भी चीज़ उतने पार्ट में डिवाइड होने के बाद हर पार्ट में सेम दिखेगी, ठीक है, हर पार्ट में सेम कलर में और सेम दिखती है बिल्कुल शेप में, तो वो टर्न करने के बाद भी सेम ही दिखेगी, ठीक है। चाहे जैसे कि ये 3 पार्ट मैंने किए हैं इसके, ये देखिए मैंने इसके ये 3 पार्ट्स में किए हैं, तो आप देख रहे हैं कलर और शेप में बिल्कुल सेम है, तो यानी कि जब आप इसको 1/3 टर्न करेंगे तो ये सेम ही दिखेगी। तो आप ये पार्ट देखिए, ठीक है, कि जितने पार्ट में आपने उस चीज़ को डिवाइड किया है उसके हर पार्ट में वो सेम दिख रही है या नहीं। जैसे कि देखिए हम इसमें देखते हैं, फर्स्ट हम ये देखते हैं, तो इनमें से कौन सा फैन जो है वो 1/3 करने के बाद, 1/3 टर्न के बाद सेम दिखेगा। तो ए वाला देखते हैं, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड किया, तो आप देख रहे हैं सेम है, हर पार्ट में सेम ही आएगा, तो यानी कि 1/3 टर्न करने के बाद भी ये सेम ही आएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा, सेम आ जाएगा। अब बी में देखते हैं, बी में क्या होगा, बी में भी हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो वैसे तो ये सेम रहेगा, शेप तो इसकी सेम रहेगी, लेकिन कलर की वजह से ये डिफरेंट दिखेगा, ये सेम नहीं दिखेगा कलर की वजह से। तो इन दोनों में से सेम कौन सा दिखेगा, ये वाला। अब नेक्स्ट है, ड्रॉ दिस शेप आफ्टर 1/3 टर्न। अब ये शेप आपको दी गई है और आपको बुलाया गया है कि 1/3 टर्न करने के बाद ये कैसा दिखेगा वो आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पर आप ड्रॉ करेंगे या खुद से करेंगे, पहले तो आप ये देखेंगे कि 1/3 टर्न करने के बाद ये दिखेगा कैसे, ठीक है, और उसके बाद आप इसको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट पेज नंबर 85 पे देखते हैं, 1/6 टर्न। अब 1/6 टर्न आ गया, सेम वैसे ही। अब इसमें क्या करेंगे, आप किसी भी ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है उसको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इसमें ऑलरेडी दिखाया हुआ है, ये हेक्सागन है, ये देखिए ये एक हेक्सागन है जिसको 6 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आप, मैंने क्या बताया था अभी कि आप देखेंगे कि क्या हर पार्ट में वो सेम है या नहीं, तो बिल्कुल हर पार्ट में ये सेम दिख रहा है, ये देखिए बिल्कुल सेम है, कलर शेप साइज बिल्कुल सेम है, तो यानी कि जब हम इसको 1 टर्न दे देंगे तो ये हमें सेम ही दिखेगा। इसी तरीके से ये जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं, ये भी एक हेक्सागन ही है, इसको भी जब आप 1/3 टर्न दे देंगे, 1/6 टर्न आप दे देंगे तो भी ये आपको सेम दिखेगा जब आप इसको 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये ऑलरेडी 6 पार्ट में डिवाइड है और सेम दिख रहा है, बिल्कुल हर पार्ट सेम है, तो ये सेम ही दिखेगा। ऐसा ही इसमें है और ऐसा ही इसमें है। नेक्स्ट आपको एक टेबल दी गई है, इसमें कुछ ऑब्जेक्ट आपको दिए गए हैं, कुछ शेप आपको दी गई हैं और बोला गया है कि 1/3 टर्न करने के बाद ये कैसा दिखेगा वो आपको यहाँ पर ड्रॉ करने हैं, और 1/6 टर्न करने के बाद कैसा दिखेगा वो ये आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। सो मैंने आपके लिए ड्रॉ किए हुए हैं, 1/3 टर्न करने के बाद ये चीज़ें ऐसे दिखेंगी और 1/6 टर्न करने के बाद ये ऐसे दिखेंगी। सो आप देख रहे हैं सेम ही दिख रही हैं, 1/3 टर्न करने के बाद भी सेम है और 1/6 टर्न करने के बाद भी ये सेम ही दिख रही है, क्योंकि जब आप इनको 3 या 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, जैसे कि देखिए मैं आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके दिखाती हूँ, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, यहाँ पर आना चाहिए, तो हर पार्ट आपको सेम दिखेगा, ये वाला पार्ट बिल्कुल इसके सेम है और ये वाला पार्ट भी बिल्कुल सेम है, तो जब आप इसको 1/3 टर्न करेंगे तो भी आपको सेम दिखेगा। अब इसी तरीके से अगर आप इसको 6 पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये आप 6 पार्ट में डिवाइड हो गया तो भी ये आपको सेम ही दिखेगा, हर पार्ट सेम है, तो इसे 1/6 टर्न करेंगे तो भी आपको सेम ही दिखेगा। मैंने आपके लिए यहाँ पे एक ब्लैंक छोड़ा है, मैंने इसको 1/6 टर्न तो दे दिया, लेकिन 1/3 टर्न दे दिया, 1/6 टर्न आप खुद देंगे कि 1/6 टर्न करने के बाद ये ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा वो आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पेज नंबर पे, 86 पे, लुक एट द फॉलोइंग शेप्स। आपको ये शेप दिखाई दे रही है, अब आपको
इसमें आपको देखना है कि वन थर्ड टर्न करने के बाद कौन सी चीज़ सेम दिखेगी और कौन सी नहीं। जो सेम दिखेंगे उसमें आप राइट का निशान लगाएंगे और जो सेम नहीं दिखेंगी उसमें आप क्रॉस का निशान लगाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताती हूँ, ये देखिए इसको जब आप वन थर्ड टर्न देंगे, ठीक है, आपने इसको थ्री इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड किया इस तरीके से, जब आप इसको वन थर्ड टर्न देंगे तो वैसे तो ये सेम दिखेगा शेप के, अगर हम शेप देखें इसकी तो शेप सेम दिखेगी, लेकिन कलर की वजह से हमें ये डिफरेंट दिखेगा, ठीक है। इसका जो कलर है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो यानी कि ये सेम नहीं दिखेगा। यहाँ पे आप लगाएंगे क्रॉस का साइन। इसी तरीके से सेकंड शेप आप देख रहे हैं, इसको भी अगर आप वन थर्ड टर्न देंगे, थ्री पार्ट में डिवाइड किया, तो शेप तो सेम है लेकिन इस कलर की वजह से ये हमें डिफरेंट दिखेगा, तो ये भी सेम नहीं दिखेगा। तो दो मैंने आपको बताए हैं, बाकी आप खुद से देख के कीजिएगा कि कौन सा सेम होगा और कौन सा नहीं। इसी तरीके से अब इसमें देखेंगे, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, ट्राई एंड चेंज द शेप बिलो इन सच अ वे दैट दे लुक द सेम ऑन वन थर्ड टर्न। तो ये कुछ शेप दिए गई हैं, अब आपको इन शेप्स में कुछ ऐसे चेंजेस करने हैं जो कि वन थर्ड टर्न देने के बाद उनको सेम दिखे। जैसे कि फर्स्ट शेप में हम देखते हैं, फर्स्ट शेप में अगर आप ये ब्लू वाला जो ये डॉट है, ये ब्लू वाला डॉट प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर ये ब्लू वाला डॉट नहीं होता तो जब हम इसको वन थर्ड पार्ट में हम इस तरीके से इसको डिवाइड करते तो ये हमें सेम दिखता, लेकिन ब्लू की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो अब क्या करेंगे, इन पार्ट में भी यहाँ पे ब्लू ब्लू टू सर्कल यहाँ पे बिल्कुल ड्रॉ कर देंगे, बिल्कुल इसके मिड पॉइंट पे, बिल्कुल इसके मिड में टू और सर्कल आप ब्लू कलर के ड्रॉ कर देंगे, तो वन थर्ड टर्न करने के बाद ये हमें सेम दिखेगा। इसी तरीके से बाकी इन सब चीज़ों में भी अब ध्यान से देखेंगे और ट्राई करेंगे कि कैसे हमें सेम दिखेंगे, इनमें हम क्या चेंजेस करें। ओके, नेक्स्ट है, ड्रॉ सम शेप्स विच विल लुक द सेम आफ्टर वन थर्ड टर्न। तो अब आपको कुछ चीज़ें, सिर्फ दो शेप आप ऐसी ड्रॉ कीजिएगा जो वन थर्ड टर्न करने के बाद आपको सेम दिखे। आप अपने घर में, अपने आसपास, अपनी बुक में देखिएगा, कुछ ना कुछ शेप आपको ज़रूर दिखेंगी उसमें जो कि वन थर्ड टर्न करने के बाद आपको सेम दिखे। इसी तरीके से आपको ड्रॉ करनी है कोई भी दो ऐसी चीज़ें जो कि 1/6 टर्न करने के बाद सेम दिखेंगी। ठीक है, गुड लक।